अभी किसी ने कहा कि कमरों में बैठकर एसी वाले वहां पर राजनीति नहीं समझते, तो मैं बता देना चाहती हूँ उनको कि मैं इस वक्त तेलंगाना में बैठी हूँ और सड़कों से आई हूँ, इसे स्टैंड पर अपना कैमरा खड़ा किया हुआ कि गिर ना जाए। हम जनता के बीच रहने वाली, संघर्ष करने वाली कांग्रेस पार्टी है। इस देश को आजादी जो दिलाई थी वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने दिलाई थी, जो उस वक्त देश के लिए काम कर रहे थे। तब कोई अपने आप को नेता नहीं समझ रहा था, लेकिन तेलंगाना में बैठकर आपको बता रही हूँ कि जनता क्या कह रही है। बीजेपी को खतरा, कांग्रेस को सत्रह, ये है ओके नारा। अब देखिए कि बात करी जा रही है, जब मैं चौधरी चरण सिंह जी की बात कर रही हूँ तो बड़े सम्मान के साथ मैंने किया, तो आप अपने आप को छोटा क्यों समझ रही हैं? अगर आप उनके उनके बेटे के द्वारा बनाई गई पार्टी में है तो आपका पूरा सम्मान है, लेकिन जब आप परसेंटेज की बात करते हैं तो आप इसको डिनाई नहीं कर सकते कि 1.5% है। जब कांग्रेस की बात आती है ना तो कहा जाता है एक सीट रह गई, बिल्कुल रह गई। लोकतंत्र है भाई, हम लड़ेंगे और दोबारा से वापस आएंगे, और यही आपका मानदा होना भी चाहिए। इसलिए आरएलडी प्रवक्ता को विक्टिम कार्ड नहीं खेलना चाहिए। लेकिन जो बात अभी बोला गया मेरे जो पैनलिस्ट थे उन त्रिपाठी जी के द्वारा, नहीं सुकेश रंजन जी के द्वारा, उन्होंने कहा कि हर जगह पे जो तोड़ने का काम है वो किया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ना तो देश के संविधान को मानती है ना हमारे देश के लोकतंत्र को मानती है। और यही तो झारखंड में हुआ ना, जब हेमंत सोरेन हिमंता बिस्वा सरमा बनने को तैयार नहीं हुए तो वो जेल गए। ऐसे लोग जिनके अंदर हिम्मत होती है, जो शेर होते हैं, वो कम ही होते हैं, मगर ओके, वे कम ही लोग होते हैं ऑल राइट, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा जिनके है। कारण देश जीतता जैनब है। आप